गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ आज जो लगना वाला जो सेंटेंसेस का जो मैंने पहले से वीडियो बना दिया हूँ उसका आज मैं सिर्फ वर्ब को देखने के लिए जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो आप सब भी थोड़ा ध्यान देंगे और इस पे जो अगर इस वीडियो को अगर समझने में अगर दिक्कत है तो इससे पहले मैं बताऊंगा इसका जो पार्ट वन का वीडियो जो दिया हुआ है लगना का उसको देख लेंगे कि उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको जो आज मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और इसको सही से बारीकी से याद करने की कोशिश करेंगे। और लगना का सेंस मैंने पहले ही बता दिया हूँ, तो अगर आप सब अगर वो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो उसको देख लीजिए। तो ये कह रहे हैं जो आज जो मैं आपको ये लगना का बता रहा हूँ, पहला जो है ये कह रहे हैं वर्ष या महीना का लगना। क्या है? वर्ष या महीना का लगना। जब वर्ष या महीना जब लगता है तो टू एंड होता है। क्या होता है? टू एंड होता है। इसको ना एंड भी पढ़ा जाता है और इंड भी पढ़ा जाता है। तो आपको जिसके हिसाब से लग रहा है वैसे पढ़ना है ना। तो लगना का अर्थ में महीना या वर्ष लगना, टू एंड। दूसरा है नियम का लगना। नियम का लगना, टू अप्लाई ए रूल। मैंने कहीं नियम अगर लगाता हूँ तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू अप्लाई ए रूल। ओके, तो तीसरा है भूख प्यास लगना, टू फील थर्स्टी और हंगरी। है ना, भूख प्यास लगना का क्या होता है? टू फील थर्स्टी और हंगरी। और यहाँ पे छूट गया है और हंगरी, है ना। काम में लगना, काम में लगना काम होता है टू टेक टू, या नहीं तो दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, टू इंगेज वन सेल्फ इन। नेक्स्ट देखते हैं धूप लगाना। अब जैसे देखिए कोई ठंड का मौसम होता है तो क्या करते हैं? धूप लगाते हैं। तो धूप लगाना के इंग्लिश में होता है टू सन, या अर्थ लगाना। दूसरा नंबर जो है सिक्स का जो है उसमें है अर्थ लगाना, टू मेक आउट, या नहीं तो टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट यानी होता है अर्थ लगाना। सात नंबर में है लगाम लगाना, टू ब्रीडल। लगाम लगाना का क्या होगा? टू ब्रीडल। आठ नंबर में है मजदूर लगाना। काम के लिए जैसे मजदूर लगाते हैं तो उसमें क्या करेंगे? टू इंगेज लेबर्स। टू इंगेज लेबरर्स मतलब क्या हो गया? मजदूर लगाना। आगे है नौ नंबर पे कर लगाना, टू लेवी ए टैक्स। टू लेवी ए टैक्स का मतलब, टैक्स का मतलब क्या होता है? कर लगाना। आगे देखिए दस नंबर में है आग लगना, टू कैच फायर। आग लगना का क्या है? टू कैच फायर। आग लगाना, टू सेट ऑन फायर। आग लगाना का क्या होता है? टू सेट ऑन फायर, है ना। बारह नंबर में देखते हैं किसी से मुंह लगाना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई किसी से मुंह लगा लेता है, बात बात पे झगड़ा हो जाती है ना। तो किसी से मुंह लगाना के इंग्लिश होता है टू बी फैमिलियर। क्या होता है? टू बी फैमिलियर। मोटर गाड़ी लगाना, जैसे मान लीजिए कि रास्ते में चल रहे होते हैं तो मोटर गाड़ी कहीं पर लगाना होता है, तो मोटर गाड़ी लगाना क्या है? टू पार्क वंस कार का मतलब क्या हो गया? मोटर गाड़ी लगाना। आगे देखिए धक्का लगना। धक्का लगना को इंग्लिश में बोलेंगे टू गेट ए शॉक। टू गेट ए शॉक, है ना। पंद्रह नंबर में कह रहा है अनुमान लगाना। कभी कभी होता है ना कि अनुमान लगाते हैं, तो उसको अनुमान लगाना के इंग्लिश में, वैसे टू गेस से भी काम चल सकता है लेकिन यहाँ जो दिया है तो यहाँ जो होगा टू गेस एट समथिंग, है ना, अनुमान लगाना, है ना। तो टू गेट एट समथिंग। 16 नंबर में कह रहा है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना का हो जाएगा टू प्लांट ए ट्री। हिसाब लगाना, टू कैलकुलेट हिसाब लगाना, है ना। यह 18 नंबर में यह बात उसे बुरी लगी, है ना। ईट कट हिम टू द क्विक। ईट कट हिम टू द क्विक। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जैसे देखिए पान लगाना, है ना। पान लगाना के इंग्लिश में क्या होता है? टू मेक ए बैटल। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि इस जितना मैं वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ, जितना ये बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब सेंटेंस बनाने आ जाएगा आपको तो आपको ये सब वर्ड मीनिंग थोड़ा भी भूलने की चांसेस नहीं बनती, है ना। तो ये कह रहे हैं 20 नंबर 20 में कह रहे हैं अपने को कुछ या बहुत लगाना, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, है ना।
21 में कह रहा है दाव पर लगाना, है ना, जीवन को क्या करते हैं दाव पर लगाते हैं, टू स्टेक, टी एस टी ए के, टू स्टेक माने होता है दाव पर लगाना। 22 में कह रहा है आँख लगना, टू डज ऑफ, टू डज ऑफ माने क्या होता है आँख लगना। 23 नंबर में देखते हैं, कह रहे हैं नज़र लगाना, टू कास्ट एन एविल आई, टू कास्ट एन एविल आई मतलब होता है नज़र लगाना। 24 नंबर में देखते हैं किनारे लगना, टू टच ए शोर, टू टच शोर मतलब होता है किनारे लगना। आगे कह रहे हैं 25 में पौधे का लगना, टू टेक रूट, पौधे का लगना का क्या होता है टू टेक रूट। 26 में देखिए करने लगना, टू बिगेन टू डू, करने लग कोई भी चीज़ की शुरुआत जो करते हैं तो करने लगना के टू बिगेन टू डू। नींद लगना, है ना, नींद लगना। अब नींद लगना क्या, हमारा जो जब नींद लगता है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे नींद लग रहा है ना, तो कहने का मतलब टू फील स्लीपी या टू फील जो है ड्रोजी भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर में कह रहा है पैसा या रुपया लगना, है ना, पैसा या रुपया लगना, टू कॉस्ट मनी, टू कॉस्ट मनी। ताला लगाना, टू पुट अंडर लॉक एंड की, टू पुट अंडर लॉक एंड की, टू लॉकअप, ताला लगाना के क्या होता है टू लॉकअप, है ना। 30 नंबर में कह रहा है आदत लगना, टू बी एडिक्टेड टू समथिंग, आदत लगना का क्या होता है टू बी एडिक्टेड टू समथिंग, या नहीं तो टू बिकम यूज्ड, टू बिकम यूज्ड। 31 में कह रहा है पेड़ में फल लगना, पेड़ में फल लगना, टू बियर फ्रूट। 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर अगर मैं आप सबको ये लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है तो आप सब स्क्रीनशॉट लेकर के और थोड़ा बाद में भी देख सकते हैं। तो देखिए 32 नंबर में मेला लगना का दिया है टू बी हेल्ड, है ना, टू बी हेल्ड, या नहीं तो टू बी ए फेयर इज हेल्ड। मन नहीं लगना, है ना, कहते हैं कभी कभी मुझे मन नहीं लग रहा है, नोट टेक इंटरेस्ट इन, नोट टेक इंटरेस्ट इन। 34 में मरहम लगाना, टू अप्लाई वाइंटमेंट, टू अप्लाई वाइंटमेंट माने होता है मरहम लगाना। 35 नंबर पानी लगना, वाटर एक्यूमुलेट्स, वाटर एक्यूमुलेट्स मतलब होता है पानी लगना, है ना। जैसे मान लीजिए कि पानी वाला मौसम यानी बारिश का मौसम में जैसे खेती करने के लिए लोग आते हैं जाते हैं ना, तो पानी क्या होता लग जाते हैं उनके पाँव में, है ना। पंख लगना, टू एक्वायर विंग्स, पंख लगना का क्या होगा टू एक्वायर विंग्स। आगे देखते हैं 37 नंबर निशाने पर लगाना, निशाने पे लगाना मतलब तो हो गया टू हिट द मार्क, टू हिट द मार्क। हाथ नहीं लगना, टू स्लिप थ्रू वंस फिंगर, हाथ नहीं लगना का क्या हो गया टू स्लिप थ्रू वंस फिंगर। आगे जो 39 नंबर है भूत लगना, टू बी पोस्ट पोसेस्ड बाय एविल स्पिरिट्स मतलब होता है भूत लगना। आगे 40 नंबर में देखते हैं, 40 में कह रहा है इस काम में एक सप्ताह लगेगा, इस काम में एक सप्ताह लगेगा, इट विल टेक ए वीक, इट विल टेक ए वीक, एक सप्ताह, इस काम में कितना दिन लगेगा एक सप्ताह लगेगा। आगे देखिए जो भाग लगना, टू बी एलर्जिक टू भांग। 42 नंबर में कह रहा है गोली लगना, द टू रिसीव बुलेट इंजुरीज, टू रिसीव बुलेट इंजुरीज का मतलब हो गया गोली लगना। आगे जो है 43 नंबर में कह रहा है पेंसिल से दाग लगना, है ना, पेंसिल से दाग लगाना, लगना नहीं लगाना, पेंसिल से दाग लगाना, टू मार्क समथिंग विद ए पेंसिल, टू मार्क समथिंग विद ए पेंसिल। आगे 44 में कह रहा है धारा 144 लगाना, है ना, कभी कभी जैसे कोई ऐसा चीज़ होता है या वोटिंग का टाइम आता है तो धारा 144 लगता है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे टू इम्पोज या टू क्लैम, या नहीं तो टू क्लैम सेक्शन 144 ऑन ए प्लेस, है ना। 45 नंबर में कह रहे हैं घर में बिजली और पानी लगाना, टू फिट ए हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी वाटर टैप्स, टू फिट ए हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी वाटर टैप्स। 46 नंबर है मांग में सिंदूर लगाना, है ना, टू अप्लाई वर्मिलियन और इन द पार्टिंग ऑन हर
हैड। 47 नंबर में देखिए प्रश्नों की झड़ी लगाना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन करने वाले जो आते हैं तो कभी कभी इतना क्वेश्चन करते हैं जो पता चलता है जो बताने वाले से कहीं ज़्यादा ही होते हैं। तो प्रश्नों की झड़ी लगानी, बहुत ज़्यादा कम समय बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछना। टू पुट ए वॉली ऑफ क्वेश्चन, टू पुट ए वॉली ऑफ क्वेश्चन। बिस्तर लगाना, टू मेक बेड, टू मेक बेड मतलब क्या हो गया, बिस्तर लगाना। 49 में हो गया प्राणों की बाजी लगाना, टू स्टेक वंस लाइफ, टू स्टेक वंस लाइफ मतलब क्या होगा, प्राणों की बाजी लगाना। 50 में है जंग लाना लगना, टू रस्ट, टी यू टी ओ टू आर यू एस, टू रस्ट माने क्या हो गया, जंग लगना। और जो आपका लास्ट का है दो बचा हुआ, देखिए दाग लगना, जैसे कपड़ा में दाग लग जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दाग लगना। टू बी स्टेन माने क्या होता है, दाग लगने होते हैं। ओके, आज का जो इस वीडियो का जो लास्ट है, धंधे में धन लगना, धंधे में धन लगाना है ना, धंधे जैसे कोई काम अगर करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसमें धन लगाता है, तो टू इन्वेस्ट मनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जितना भी अभी बताया लगने का आप सब याद कर लिए होंगे या याद करेंगे। तो मैं इसी प्रकार से अगला जो है इसी टाइप का कुछ वीडियो मतलब इसके लिए बना के लाऊंगा आप सबको। तो इस प्रकार के वीडियो को आप सब ध्यान से पढ़िए, और ये छोटी छोटी जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, जो आपके स्पोकन के लिए बहुत काम की चीज़ है ना। सो डोंट फॉरगेट दिस वीडियो है ना।